Hey guys, let's start discussing software testing. As you can see, my name is Professor Tiruk Parmar. This is for the subject of TYBACIT Semester 5, Analysis of University Papers from October 2012 till April 2017. Let's start discussing the same. So in last lecture, we already done discussing Unit 1. Now in this particular lecture, we'll be starting discussing Unit 2. The first question which we are going to discuss is define and compare the concept of verification and validation. अभी ये जो क्वेश्चन है इज ऑलरेडी आस्क्ड इन दी अप्रैल 2017 दैट इज केटी एग्जाम फॉर TYBACIT सेमेस्टर 5. हाउ टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एज यू कैन सी आई हैव प्रोवाइडेड अ डायग्राम हियर फॉर वेरिफिकेशन वैलिडेशन. सो बहुत सिंपल वे में इफ यू टॉक अबाउट वेरिफिकेशन वैलिडेशन, मतलब क्या होगा, वीवी मॉडल. आई होप वी ऑलरेडी डिस्कस आई मीन वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन एसवाई एज वेल इन सेमेस्टर 3 आई थिंक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट. तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टू फेजेस, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. सो एज यू कैन सी इन वेरिफिकेशन फेज वी हैव दिस मेनी स्टेप्स लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, हाई लेवल डिजाइन, देन डिटेल प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, हाउ वी आर गोइंग टू कोड, देन स्टार्ट्स कोडिंग, देन कम्स In validation phase comes unit testing, integration testing, system testing and user acceptance test. So let's just discuss one by one. Abhi yahan pe we have to write down the we have to compare the concept of verification and validation. So is there any comparison? I mean, is there a requirement verification mein jo phases hai, is those phases are important for validation phase as well? Yes, those phases are important. So for example, agar requirement, if you want to develop any particular software, तो वो software specific जो requirements है वो हम लोग को यहाँ पे specify करना रहेगा. And once we gather those requirement, उसके बाद what we are going to do, we are going to analyze those requirements are correct or not. अभी अगर requirements जो हम लोगों ने gather किया है वो correct है, तो जब भी हम लोग software बनाएंगे based on those requirement, तो users जो है उसको easily accept कर लेंगे, because users ने जैसा software demand किया था वैसा software मिलेगा. As you can see, the product requirement needs to be understood from customer perspective. तो अभी अगर हम लोगों ने requirement analysis अगर proper किया है in a verification phase, तो validation phase में जो user acceptance test है, जहां पे user first एक बार software पे work करके check करेंगे कि उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स डिफाइन किए थे वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुए या नहीं, एंड प्रीवियसली वो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक आपने जो नया सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड किया है, वेदर इट इज ऑफ दैट कैपेबिलिटी और नॉट, दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू चेक हियर, दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, वेदर योर सॉफ्टवेयर इज ईजी टू यूज और नॉट, प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर थे उसमें जो फीचर्स थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, और उनके बाकी के जो टास्क है वो बहुत सिंपल वे में हो रहे हैं कि नहीं. योर सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यूजर्स टू यूज. तो यहाँ पे वॉट दोज थिंग्स वी बेसिकली डिस्कस हियर. सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस अगर करेक्ट होगा तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी बेसिकली कंपेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन फेज. देन सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनल स्पेसिफिकेशन. सो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, तो अगर हम लोग उन्हें डिटेल में, एज यू कैन सी अंडरस्टैंडिंग एंड डिटेलिंग द कंप्लीट हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन सेटअप फॉर द सिस्टम, तो हाउ दैट सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू फंक्शन, व्हाट हार्डवेयर दे आर गोइंग टू यूज, एंड क्लाइंट के पास कौन सा टाइप का सिस्टम रहेगा. तो अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कौन से फंक्शंस रहेंगे वो सॉफ्टवेयर के, और वो सॉफ्टवेयर के जो फंक्शंस है उसके स्पेसिफिक हम लोगों का सिस्टम भी होना चाहिए, बराबर है. तो अगर हम लोगों का सिस्टम अगर प्रॉपर है तो क्या होगा, सिस्टम टेस्टिंग क्लियर हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. देन हाई लेवल डिजाइन होंगे. सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, एज यू कैन सी सिस्टम डिजाइन इज ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर इनटू मॉड्यूल्स टेकिंग अप डिफरेंट फंक्शनैलिटी. तो एक बड़े से सॉफ्टवेयर को हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं. मतलब बहुत सिंपल वे में इफ वी टॉक, तो हम लोगों ने बड़े सॉफ्टवेयर को एक साथ बनाने के बदले व्हाट वी हैव डन दैट कि हम लोगों ने वो सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसको हम लोग मॉड्यूल कंसिडर करते हैं, और ये जो मॉड्यूल्स है उसको हम लोग वन बाय वन डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे. सो हर एक मॉड्यूल का हम लोग क्या बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे. डिजाइन मीन्स वहां पे हम लोग उसके डेटाबेस डिजाइन बनेगा, DFD डायग्राम बनेगा, फ्लो चार्ट बनेगा, ये सब डिजाइन रहेंगे. अभी अगर ये डिजाइन अगर प्रॉपर है
तो फिर क्या होगा, जब भी हम लोग ये सारे मॉड्यूल्स को, पूरा सॉफ्टवेयर बनने के बाद डिफरेंट मॉड्यूल्स को जब एक दूसरे के साथ ऐड करके चेक करेंगे कि वो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ वर्क कर पा रहा है कि नहीं, तो वो टाइम पे इंटीग्रेशन टेस्ट क्लियर होगा। याद रखो, इफ हाई लेवल डिजाइन, अगर हम लोगों ने जो डेटा फ्लो डायग्राम अगर प्रॉपर बनाया, जहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि कैसे डेटा एक लेवल से, एक मॉड्यूल में से दूसरे मॉड्यूल में फ्लो होगा, हम लोगों ने फ्लो चार्ट प्रॉपर बनाया, तो अगर हाई लेवल डिजाइन जो है, मीन्स जिसको फॉलो करके हम लोग सॉफ्टवेयर कोड करेंगे, वो डिजाइन अगर प्रॉपर है, तो हम लोगों के सॉफ्टवेयर के जो भी पार्ट्स है, जो भी मॉड्यूल्स है, वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे, और वो आपस में एक दूसरे के साथ इजीली वर्क कर पाएंगे। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाई लेवल डिजाइंस। इफ दिस डिजाइंस आर प्रॉपर, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड सेम वे डिटेल डिजाइन एंड प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम्स, एज यू कैन सी, डिजाइन कॉम्पेटिबल विद अदर मॉड्यूल्स इन द सिस्टम आर्किटेक्चर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक मॉड्यूल का डिजाइनिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स, नहीं, सारे मॉड्यूल्स का जो डिजाइन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तभी क्या होगा, हर एक मॉड्यूल के अंदर यूनिट टेस्टिंग मॉड्यूल के अंदर भी छोटे छोटे जो पार्ट्स है वो प्रॉपर एक दूसरे के साथ सिंक्रनाइज रहेंगे। अभी रिक्वायरमेंट गैदर किया, सिस्टम स्पेसिफिक क्या क्या फंक्शंस रहेंगे वो चेक कर लिया, डिजाइन चेक किया, डिजाइन स्पेसिफिक क्या प्रोग्राम्स हम लोगों को स्पेसिफाई करने हैं वो चेक कर लिया, और लास्ट में क्या होगा, कोडिंग। एक बार कोडिंग कर लिया तो क्या होगा, अभी वो कोडिंग पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट टेस्टिंग, सिंगल यूनिट्स को टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करके देखेंगे कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ, यहाँ पे हम लोग सिंगल मॉड्यूल चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ इजीली वर्क कर पा रहा है कि नहीं, और उसके बाद लास्ट में हम लोग चेक करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। जैसे मैंने बोला कि जो हार्डवेयर यूजर्स के साइड पर रहेगा, जो टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, जो टाइप का सिस्टम वो लोग यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है कि नहीं, ये सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आएगा। और लास्ट में आएगा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, यहाँ पे यूजर्स जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करके चेक करेंगे कि उन्होंने जो जो रिक्वायरमेंट्स बोले थे वो सारे फुलफिल हुए या नहीं, एंड बेस्ड ऑन दोज रिक्वायरमेंट्स, मीन्स यूजर फ्रेंडली है कि नहीं सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी। आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले, एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने वो सेम जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया ना, वो सेम यहाँ पे थियोरेटिकल वे में मैंने दिया हुआ है। तो वैलिडेशन इज डिटरमाइंड इफ द सिस्टम कंपाइल्स विद द रिक्वायरमेंट, वैलिडेट कभी होगा, वैलिडेशन में कौन से फेजेस आते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो हम लोग टेस्टिंग करेंगे, जो जो चीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, ये हम लोग बताएंगे किसके अंदर, वैलिडेशन के अंदर। सो वही यहाँ पे दिया हुआ है, वैलिडेशन इज डन एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस आफ्टर वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। एंड एज यू कैन सी हम लोग क्यों करते हैं ये, बेसिकली वैलिडेशन की जरूरत क्यों होती है, जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग जो भी चीज बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, और हम लोग जो भी डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, हाई लेवल एक्टिविटी जो हो रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं, ये सब आएगा वैलिडेशन में। वेरिफिकेशन में क्या आएगा, वेरिफिकेशन में हम लोग जो भी डेटा हम लोगों ने गैदर किया उसको एनालाइज करेंगे। देन यहाँ पे और भी थोड़े बहुत वर्ड्स है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक रिव्यू होगा, हम लोग क्या करेंगे, रिव्यूज लेंगे, हम लोगों के पास जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स रहेंगे, डिजाइनर्स रहेंगे, टेस्टर्स रहेंगे, तो हम लोग की टीम में जो एक्सपीरियंस पर्सन है जो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं उनके पास से रिव्यूज लेंगे। रिव्यूज कभी होगा, जब भी मीटिंग होंगे, और उसके साथ वॉक थ्रूज होंगे जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स जो है हम लोग का प्रोजेक्ट का, जिसके बेस के ऊपर हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उसका डॉक्यूमेंट जो है वो हम लोग ऐसे मीटिंग में सारे जो एक्सपीरियंस यूजर्स रहेंगे, डेवलपर्स रहेंगे, इंजीनियर्स रहेंगे, इन शॉर्ट उनके सामने रखेंगे, और वो क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर वो लोग अपने कमेंट्स देंगे, वो डॉक्यूमेंट पढ़ के वो बता सकता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये जो है, एज यू कैन सी क्या करेंगे हम लोग, इवेल्युएट डॉक्यूमेंट करेंगे, प्लान चेक करेंगे, कोड कैसे वे में करना है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये सब चेक करेंगे। सो वेरिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज अगर हम लोगों को टेबल बनाना है तो वो टाइम पे उसके चारों लेग जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर एक भी लेग अगर करेक्ट साइज में नहीं है तो क्या होगा, टेबल स्टेबल नहीं रहेगा, टेबल प्रॉपर स्ट्रेट नहीं रहेगा। द सेम वे अभी जब हम लोग सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं तो हम लोगों ने जब सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में अगर डिवाइड कर दिया है तो वो टाइम पे और उसके अंदर जो फीचर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं वो भी अगर प्रॉपर एक दूसरे के साथ सिंक्रनाइज नहीं रहेंगे तो सॉफ्टवेयर भी हम लोग का स्टेबल नहीं रहेगा, जस्ट लाइक अ टेबल। आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। नाउ
सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग को यूनिट टू में डिस्कस करना है, वेर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। सो यहाँ पे देखो अभी क्या बोला है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एम्फसाइजेस ऑन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये चीज सेम चीज हम लोग को डिस्कस करना है। और यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखोगे, डायग्राम के अंदर मैंने आपको एक सिंपल सा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज क्वालिटी, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन वैलिडेटिंग फीचर्स। सो क्वालिटी जो है वो हम लोग ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं, आई मीन आपने कितना वैलिडेशन उसके ऊपर अप्लाई किया है, इससे यूजर को फर्क नहीं पड़ता है। यूजर को फर्क किससे पड़ता है कि आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी कैसे है। मतलब अगर यूजर बहुत टाइम तक अगर वो सेम सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहा है तो सॉफ्टवेयर जो है वो फेल नहीं होना चाहिए, हैंग नहीं होना चाहिए, क्रैश नहीं होना चाहिए। यूजर्स को जो है या जो हम लोग के जो भी पर्सन रहेंगे जो आपका सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसको यही सेम चीजों से मतलब होता है। आपने उसके अंदर क्या वैलिडेशन अप्लाई किया है, मतलब कौन से टाइप से आपने उसमें यूनिट टेस्टिंग किया, इंटीग्रेशन टेस्ट किया, सिस्टम टेस्ट किया, ये सब से उनको मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी हम लोग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मेनली आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको अभी मतलब नहीं है कि विंडोज ने जब भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तो उन्होंने कौन से टाइप से टेस्टिंग किया था उसमें, लाइक उन्होंने कितने बग्स रेक्टिफाई किए, उन्होंने कैसे पैटर्न में यूनिट टेस्ट किया, देन बाकी के जो हम लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल्स थे उसको साथ में कनेक्ट करके कैसे उन्होंने टेस्ट किया, मतलब उन्होंने कैसे टेस्ट किया सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को, उससे हम लोगों को मतलब ही नहीं है। हम लोग के एंड पे जब भी हम लोग वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज करेंगे वो प्रॉपर चलना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर कुछ भी काम कर रहे हो आपका प्रॉपर एफिशिएंट वे में फंक्शनिंग होना चाहिए। अगर ये सब चीज प्रॉपर हो रहा है मतलब आपको आपका सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपर चल रहा है, उसका क्वालिटी जो है वो काफी अच्छा है, दैट्स वॉट योर क्लाइंट इज ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। सो एज यू कैन सी द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज कॉमनली यूज टू रिफर टू टेस्टिंग द फीचर नॉट स्पेसिफिक टू फंक्शंस। कितने फंक्शंस आपने ऐड किए अपने सॉफ्टवेयर में उससे मतलब नहीं है। आप अगर 100 फंक्शंस 100 फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हो आपके सॉफ्टवेयर में लेकिन वो 100 के 100 प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपका सिस्टम लैग हो रहा है, तो उससे क्लाइंट जो है उस पर आपका इंप्रेशन जो है वो निगेटिव जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपने 50 फीचर्स ही दिए लेकिन वो 50 फीचर्स बहुत स्मूथली वर्क कर रहे हैं, कहीं पे भी उसमें यूज करने के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो फिर यूजर को वो ही मतलब रहता है। यूजर को ये मतलब नहीं कि आपने कितने फंक्शंस दिए, व्हाट यूजर एक्सपेक्ट कि आपने जितने भी फंक्शंस दिए वो एफिशिएंटली प्रॉपरली चलने चाहिए। तो एज यू कैन सी दिस इंक्लूड्स, ये हिज नहीं है, दिस है टीम मिस हो गया, तो दिस इंक्लूड्स टेस्टिंग फॉर परफॉर्मेंस, कैसा आपका सिस्टम जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, यूजेबिलिटी वाइज कैसा है, एफिशिएंसी कैसा है, सिक्योरिटी वाइज सिक्योर है कि नहीं, ब्रेक पॉइंट्स सॉफ्टवेयर में है कि नहीं। मतलब ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत बार आपका सॉफ्टवेयर चलते चलते ओवरलोड हो जाता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है या फिर क्रैश हो जाता है, तो ये सब चीज़ आपको चेक करना है और बहुत सारे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कितना क्वालिटी वाइज कितना है और कितना रिलायबल है वो सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए, सो दैट्स व्हाट वी चेक इन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। सो क्वालिटी वाइज अगर हम लोग चेक करेंगे, क्वालिटी इन टर्म्स हैज वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशन एंड व्हेन दो अबाउट द इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, क्या क्या चीज वहां पे चेक करेंगे हम लोग। फर्स्ट चेक करते हैं हम लोग फंक्शनैलिटी, दैट इज क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ क्या क्या फीचर्स है, बिजनेस प्रोसेस है, और आई मीन इन शॉर्ट फंक्शनैलिटी वाइज सारे फंक्शंस प्रॉपरली स्मूथली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। सिक्योरिटी वाइज हम लोग चेक करेंगे कि अगर मैं कुछ डेटा वहां पे ऐड कर रहा हूं तो वो डेटा ऑथोराइज यूजर्स के पास ही जाना चाहिए, कभी उसके अंदर बैकडोर नहीं आना चाहिए। जैसे विंडोज 7, 8 और आपने देखा रहेगा रैनसमवेयर अटैक हुआ था, तो रैनसमवेयर अटैक में क्या हो गया कि किसी ने आके आपका बैकडोर एक सर्वर मैसेज ब्लॉक करके एक बैकडोर उन्होंने फाइंड किया जहां से एक पोर्ट का एक्सेस उनको मिला, SMB पोर्ट का, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया आपके कंप्यूटर में एंट्री करके आपके जो भी कंप्यूटर में डेटा है वो सबको एनक्रिप्ट कर दिया, मतलब आपका काम जो है वो बहुत हॉल्ट हो गया ना। तो ये सिक्योरिटी हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी ऐसा बैकडोर या लूपहोल नहीं होना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में जिसके थ्रू कोई भी आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर इजीली अटैक कर सके। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि अगर मैं नेटवर्क में आपका सॉफ्टवेयर यूज करूंगा तो वो टाइम पे वो नेटवर्क में कैसे वर्क करेगा, और यही सेम चीज। देन परफॉर्मेंस वाइज कितना स्पीड कैसा है उसका,
जो भी हम लोग रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज प्रॉपरली वो कंज्यूम कर रहा है कि नहीं। अगर हम लोग को उसको और फीचर्स न्यू ऐड कर रहा है तो वो उसको न्यूली फीचर्स को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल विंडोज एक्सपी के टाइम पे क्लाउड फैसिलिटी नहीं था, आज के टाइम में विंडोज 10 में क्लाउड फैसिलिटी है। तो वहां पे क्या हुआ, स्केल किया उन्होंने एक सेम सॉफ्टवेयर को विंडोज एक्सपी से विंडोज 10 लेवल पे आए तो लेके आए, तो वो टाइम पे उन्होंने स्केलेबिलिटी मीन्स उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड किए, तो वो हम लोग चेक करेंगे कि ये सब प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं। उसके साथ अगर आप देखोगे यूजेबिलिटी, मतलब आप अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ सॉफ्टवेयर राइट, तो उसके अंदर अगर मुझे कहीं पे भी जाना है तो इजी नेविगेशन है कि नहीं, स्टार्ट बटन है, माई कंप्यूटर आपको दिखेगा, आप वहां से जा सकते हो, कोई भी ड्राइव में जा सकते हो, आपको वो ड्राइव में जाके फोल्डर के ऊपर अगर कुछ काम करना है तो आपको वहां पे ऑप्शन मिलते हैं, आप वो फोल्डर को कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, हिडन कुछ फाइल्स या फोल्डर्स रहेंगे आप उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग वही सब चीजों के बारे में बात करते हैं, और उसके साथ हम लोग ये दो टेस्टिंग जो है वो नॉन फंक्शनल के अंदर आता है जो मेन होता है। ए बी, ए स्टैंड्स फॉर अल्फा टेस्टिंग एंड बी स्टैंड्स फॉर बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग जो होता है वो होता है डेवलपर साइड पे, जहाँ पे जो डेवलप करेंगे वो सॉफ्टवेयर को वो डेवलपर ही खुद से चेक करते हैं या उनके टीम मेंबर्स जो है वो चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया वो प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद बीटा टेस्टिंग, जैसे आपने देखा रहेगा कि एंड्रॉयड रिलीज होने के पहले एंड्रॉयड का भी बीटा वर्जन आता है, जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स उसको डाउनलोड करके चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं, और अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोग कंपनी को या जो डेवलपर टीम है इन शॉर्ट हम लोग उनको डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं वो जो भी बग्स है। और बीटा टेस्टिंग अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वो सेम सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। सो एज यू कैन सी नॉन फंक्शनल के अंदर दो मेन पार्ट्स आते हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, और एक क्वेश्चन है। सो यही सेम चीज दिया हुआ है, नॉन फंक्शनल रिफर्स टू एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मे नॉट बी रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फंक्शन और यूजर एक्शन सच एज स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाउ मेनी पीपल कैन लॉग एट वंस, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज ऑल्सो परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स लाइक फंक्शनल टेस्टिंग। तो हर एक लेवल पे हम लोग चेक करेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी वाइज प्रॉपर है कि नहीं, कैसा रिसोर्स कैसे स्पीड प्रोवाइड कर रहा है वो। कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको सारे याद नहीं रखने, इसमें से 5 to 6 याद रखते हैं वो जो एग्जाम में आपको लिखते हैं। सो रिलायबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, यूजेबल प्रॉपर होना चाहिए, मेंटेबिलिटी होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी प्रॉपर होना चाहिए, इजीली मेंटेनेबल हो, यूजर्स को ज़्यादा एफर्ट्स ना लेना पड़े उसमें, फिर पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, पोर्टेबिलिटी मीन्स आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कहाँ पे लेके जाना है उसको, ऑनलाइन अगर यूज़ करना है या कोई दूसरे कंप्यूटर पे आपको अगर उसको यूज़ करना है तो ईजी पोर्टेबल होना चाहिए, ईजिली मूवेबल होना चाहिए। एक बेस लाइन हम लोग को सेट करना होता है कि आपका सॉफ्टवेयर का ये बेस लाइन रहेगा, जैसे उतना लेवल के फीचर्स वहाँ पे रहेंगे जो एफिशिएंटली वर्क करेंगे, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे हम लोग, लोड टेस्टिंग करेंगे जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। आई होप ये सब समझ में आ रहा है आपको, इसमें से आपको सारे याद नहीं रखने, थोड़े बहुत जो सिंपल वर्ड्स है आप जितने याद रख सकते हो 5 to 6 मिनिमम याद रखने आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो हम लोगों ने वो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सप्लेन अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग विद रेफरेंस टू एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या होता है, यूजर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर यूज करेगा, जैसे हम लोगों ने अभी वीवी मॉडल जब भी पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने देखा था ना कि वैलिडेशन फेज में क्या आता है, यूनिट टेस्टिंग आता है, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट आता है, फिर सिस्टम टेस्ट आता है। यूनिट टेस्ट में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे जो यूनिट्स है उसको 1 by 1 टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर को बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, अभी एक मॉड्यूल को हम लोग बाकी मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेट कनेक्ट करके चेक करेंगे कि वो आपस में प्रॉपरली वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन से टाइप के हार्डवेयर यूज करेंगे, कौन से रिसोर्सेज यूजर यूज करने वाला आपका सॉफ्टवेयर के लिए, तो ऐसा हम लोग सारे मॉड्यूल्स जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर के, वो पूरे सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स को हम लोग कंबाइन करके एज ए सिंगल सिस्टम के ऊपर हम लोग उसको रन करके चेक करेंगे वो वहां पे प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं। आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। सो यहाँ पे जब भी हम लोग सिस्टम टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो यही सेम चीज आएंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग दो आते हैं, जहां पे हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्ट की बात करते हैं। सो
अल्फा टेस्ट एंड बीटा टेस्ट, ये मेन चीज रहता है जिसके बेस के ऊपर पता चलेगा कि हम यूजर जो है आपका सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं. सो कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्सेप्टेंस, फर्स्ट ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि वो प्रॉपर ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, जो जो ऑपरेशंस उसको बोला है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाइज जो भी रेगुलेशंस है कॉन्ट्रैक्ट में जो पॉइंट्स है वो सारे फुलफिल हुए कि नहीं. जब यूजर क्लाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि कौन से फीचर्स प्रोवाइड करने हैं, वो यहाँ पे चेक करेंगे. और एक बार ये चीज़ हो गया उसके बाद क्या आएगा, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग. अल्फा टेस्टिंग कहाँ पे होगा, डेवलपर एंड पे, जहाँ पे डेवलपर साइड से ही थोड़े बहुत उनके जो मेंबर्स होते हैं टीम मेंबर्स होते हैं वो ही सॉफ्टवेयर चेक करेंगे कि प्रीवियस सॉफ्टवेयर में ये कुछ बग्स थे, कुछ प्रॉब्लम थे और जो भी न्यू फीचर ऐड किए हैं वो प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं. और बीटा टेस्टिंग के अंदर यूजर्स को, यूजर एंड पे हम लोग देंगे जिनको इंटरनल सिस्टम का नॉलेज नहीं होता है. सो कोई सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जो रहेंगे या बाहर कोई हम लोग थर्ड पार्टी को देंगे जो आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट करेंगे, इंटरनल नॉलेज जिनको नहीं है, मतलब कौन सा आपने एल्गोरिदम यूज किया है, कौन सा लैंग्वेज यूज किया है, उनको कुछ नहीं पता है. उनको खाली क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है डिफरेंट डेटा ऐड करके, और फिर वो चेक करेंगे कि जब भी वो डिफरेंट डेटा एंटर कर रहे हैं तो आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं. आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर. सो अल्फा टेस्टिंग इज टाइप ऑफ टेस्टिंग कंडक्टेड बाय टीम ऑफ हाईली स्किल्ड टेस्टर्स. एज यू कैन सी कहाँ पे होगा, डेवलपर साइड पे होगा. फॉर अल्फा टेस्टिंग देयर इज अ डेडिकेटेड टेस्ट टीम जिनको ये सब के बारे में नॉलेज रहेगा. और उसके बाद दिस इज नॉट द केस इन बीटा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग में क्या होगा, बीटा टेस्टिंग में हम लोग जो जो भी यूजर्स रहेंगे वो डेवलपर उनको इंटरनल सिस्टम का नॉलेज नहीं होगा इन शॉर्ट. सो अनलाइक बीटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग इज नॉट ओपन फॉर मार्केट और पब्लिक. लेकिन बीटा टेस्टिंग जो है जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करके फिर चेक करेंगे कि वो प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं, और बाकी यूजर्स को वो यूज करने देंगे और उनका रिव्यूज लेंगे, उनको कैसा लग रहा है वो सॉफ्टवेयर यूज करके. सो अल्फा टेस्टिंग इज डन फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, वेयर एज बीटा टेस्टिंग इज यूजुअली डन फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. हर एक सॉफ्टवेयर के लिए बीटा टेस्टिंग नहीं होता है, थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर्स के लिए ही होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं जिसमें बहुत लार्ज स्केल पे कम्युनिटी उसको यूज करने वाला होता है, तो वो टाइम पे हम लोगों को ये सब की बहुत जरूरी है. तो फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का अगर सॉफ्टवेयर है, अगर हम लोग पेंट टाइप की यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ टाइप है या कोई गेम है वो टाइम पे. और इसके साथ अगर आप देखोगे बोथ अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग किसके अंदर आते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर. तो एक के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक जो है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपर साइड पे होगा अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग होगा कस्टमर साइड पे. सो सिंस अल्फा टेस्टिंग इज डन ऑन साइट देयरफॉर डेवलपर एज वेल एज बिजनेस एनालिस्ट आर इन्वॉल्व, है ना. जो डेवलपर रहेंगे और जो भी बिजनेस एनालिस्ट जिनको प्रॉपर नॉलेज है वो इन्वॉल्व रहेंगे. बीटा टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता. बीटा टेस्टर्स कैन बी एक कोई न्यू यूजर हो सकता है जिनको सिस्टम का नॉलेज ही नहीं है, कोई बहुत टाइम से यूज करने वाले नॉलेज यूजर्स हो सकते हैं, प्रोफिशिएंट यूजर्स, है ना, या अपने जैसे नॉर्मल एंड यूजर्स भी हो सकते हैं. अल्फा टेस्टिंग इन्वॉल्व्स बोथ ब्लैक बॉक्स एज वेल एज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसको बोलते हैं, जहाँ पे इंटरनल क्या लॉजिक आपने यूज किया है, कैसे डेटाबेस स्ट्रक्चर है, जब भी अगर हम लोग कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं वो सिस्टम में कैसे एंटर हो रहा है, ये कोई भी चीज का नॉलेज नहीं है, उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मीन्स आपने क्या एल्गोरिदम, क्या कोडिंग किया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होता है वो डेवलपर साइड पे होता है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम लोग डेवलपर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं. वो टाइम पे ऐसे बंदे इंक्लूड रहेंगे जिनको क्या डेवलपमेंट हुआ है वो कुछ नहीं पता है, सिर्फ उनको सामने एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जिनके ऊपर वो कुछ तो डेटा डाल के चेक करेंगे कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है. नेक्स्ट पार्ट अगर आप चेक करोगे, अल्फा टेस्टिंग इज डन बिफोर द लॉन्च ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना. और बीटा टेस्टिंग जो है वो हम लोग मार्केट में बीटा वर्जन रिलीज करेंगे सॉफ्टवेयर का और उसमें चेक करेंगे कि कितने बग्स के रिपोर्ट आ रहे हैं यूजर्स के पास से. और एक बार अगर हम लोगों को एक लेवल, एक बेंचमार्क मिल गया तो उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देंगे. अल्फा टेस्टिंग इज कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ डेवलपर इन द एब्सेंस ऑफ एंड यूजर्स, वेयर एज बीटा टेस्टिंग एग्जैक्टली रिवर्स होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एंड यूजर्स एंड एब्सेंस ऑफ डेवलपर्स. सो ये सेम चीजें हैं. आप बीटा और अल्फा के बारे में इजीली पढ़ सकते हो. आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप वॉट एवर वी डिस्कस इन दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू. थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.